नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बेडर रोतिया। आप सभी का हमारे चैनल एलओसी राइट्स एग्जाम मस्ती में स्वागत अभिनंदन है। गुड इवनिंग प्रतिभा कुमारी जी, जल्दी से आ जाइए लाइव। फिर आज हम चर्चा करेंगे कुछ चीजें जो है, क्या चर्चा करना है थोड़ा सा सोच लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर डॉक्टर बी के पासी, डॉक्टर बी के पासी एवं भट्टाचार्य भट्टाचार्य के द्वारा प्रस्तुत 12 टाइप्स 12 प्रकार के कौशल 12 प्रकार के कौशल क्या क्या कौशल यानी कि स्किल्स, ये स्किल्स का चीज है दोस्तों, याद रखिएगा, कौशल का काम है। और आजकल स्किल्स का बड़ा योगदान है, ठीक है, स्किल्स का बड़ा योगदान है। जिसका स्किल्स बहुत अच्छा है वही बहुत उन्नति करेगा, याद रखिएगा, जिसका स्किल्स अच्छा है। ये जो 12 प्रकार के जो स्किल्स बता रहे हैं, ये स्किल्स आप में है कि नहीं देखिए, क्योंकि आप एक लर्नर है और हर व्यक्ति लर्नर है, कुछ ना कुछ सीखता है और कंटिन्यूअस प्रोसेस में सीखता है और स्किल्स सीखता है, ठीक है। स्किल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या चीजें हैं यहां पर हम चर्चा करेंगे। समीपता प्राप्त करने का कौशल, नियरेस्ट, समीपता, समीपता प्राप्त करना, ठीक है, ये भी एक प्रकार का स्किल है। हर व्यक्ति किसी के नियरेस्ट नहीं हो सकता, उसका भी अपना एक स्किल होता है। अनजान व्यक्ति से भी दोस्ती कर लेगा, अनजान व्यक्ति से भी बात कर लेगा, अनजान व्यक्ति से भी कोई चीज मांग सकता है, ज्ञान अर्जित कर सकता है। यह है सबसे पहला पॉइंट जो है, जिन्होंने बी के पासी के द्वारा समीपता प्राप्त करना भी एक प्रकार का कौशल है। यानी कि जब एक बार कोई व्यक्ति आपसे या हमसे मिल ले, जो जो है मिलना पसंद करेगा, वो कभी हमसे छूट नहीं सकता। ये है एक्चुअली, ये भी एक कौशल है। लोग, हम लोग जानते हैं इसके बारे में, ठीक है, जानते हैं। यानी कि मिलनसार भी एक कौशल है। मिलनसार, आदमी बोलते हैं ना, ये व्यक्ति बहुत मिलनसार है। यानी कि जब आप कोई उनसे एक बार मिल लोगे तो जिंदगी भर मिलने का मन होगा, उससे मिलने का मन होगा। या फिर वो मिलनसार से तात्पर्य यह है कि वो आपसे मिल लेगा तो आपसे दोस्ती करेगा ही, ठीक है। कई स्टूडेंट का हिचकना, बात करना, अननोन व्यक्ति से बात नहीं कर पाते, ये उनका अपना कौशल कमी है। उसका जो है कौशल कमी जो है, याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे, इनमें से कितने लोग हो जो मिलनसार हो, बताइए, कितने लोग मिलनसार हो, मिलना पसंद करते हो, अननोन व्यक्ति से दोस्ती करते हो। अननोन व्यक्ति से जब आप एक बार मिलते हो तो आप कभी भी जिंदगी में उससे छूट नहीं पाते हो, या आपसे कोई मिलता है तो वो व्यक्ति जो है मिलना पसंद करेगा, कितने लोग हो। यस यस जस जी सर, हम है, गुड, मिलनसार हूं, ठीक। और कितने लोग हो अननोन व्यक्ति से बात करना डर नहीं लगता हो, अननोन व्यक्ति से बात करना डर नहीं लगता हो, कितने लोग हो। जो मुझे डर नहीं लगता, मैं किसी भी अननोन व्यक्ति से बात कर सकता हूं, चाहे लड़का हो लड़की हो, है कोई, प्रणाम प्रणाम, मैं भी हूं, वाह बहुत सर, नो सर, कुमारी कुमारी कर रहे कि नो सर, जी सर हम। अरे मैं बता रहा हूं, कई लोग हैं जो अपने मोबाइल नंबर नहीं देना चाहेंगे। कई लोग से हम पूछते हैं कि डीपी में फोटो क्यों नहीं डाले हैं, तो कहता है सर नहीं सर, डर लगता है, हैं, कहीं मिसयूज हो जाएगा। कई बार मैं भी कहता हूं
कि मैं व्हाट्सएप में अननोन व्यक्ति से बात नहीं करता, मुझे मुझे फोटो दिखाइए। तो कहते हैं क्यों सर, बिना फोटो का आप बात नहीं करते क्या? ये रहता है कई लोगों का जो है। तो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने कहा समीपता प्राप्त करना, ठीक है, समीपता प्राप्त करना। यदि हम टीचर और स्टूडेंट की बात करें, टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचर और स्टूडेंट के बीच में बात करें तो दोनों के बीच में समीपता होती है, दूरियां नहीं होती। टीचर और स्टूडेंट बहुत पास पास होते हैं। देखिए ऐसा था, हम पहले यूनिवर्सिटी नहीं गए थे, हम यूनिवर्सिटी के टीचर को नहीं जानते थे, और जैसे ही हम एक बार यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए और उसके बाद में जब टीचर पढ़ाता है तब उनके जो है नियरेस्ट हो जाते हैं, ऐसे नजदीक हो जाते हैं। चिपक मत जाना, चिपकना नहीं है, नजदीक होना है, मिलना नहीं है। टीचर और स्टूडेंट मिलते नहीं है, समीप होते हैं, बहुत नजदीक होते हैं, ठीक है, मिलना नहीं है रे भाई। टीचर स्टूडेंट जो है गले नहीं मिलते हैं, हाथ नहीं मिलाते हैं, ठीक है, एक जगह बैठकर जो है एक ही प्लेट में खाना नहीं खाते हैं, लेकिन समीप होते हैं, याद रखिएगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा है श्याम पट का प्रयोग, यानी कि ब्लैक बोर्ड का प्रयोग होता है, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड से टीचर जो है पढ़ाता है, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग। ये भी एक कौशल है पढ़ाने का तरीका, यानी कि टीचिंग मेथड, एक टीचिंग मेथड है ये भी, टीचिंग मेथड, अलग अलग टीचिंग मेथड में आपका क्लास लेना। ये औपचारिक औपचारिक जो फॉर्मल टीचिंग मेथड है, फॉर्मल टीचिंग मेथड है जो टीचिंग मेथड के अंतर्गत आता है, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग। तीसरा है यहां पर छात्रों को प्रोत्साहन करना भी एक कौशल है, छात्रों को आगे बढ़ने का, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना यह भी एक कौशल है टीचर का एक कौशल है कि छात्रों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहना, ठीक है, प्रोत्साहित करते रहना। मैं जब भी क्लास में जाता हूं मास्टर डिग्री के पीजी के, तब मैं एक ही बात बोलता हूं कि कितने लोगों ने नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कौन कौन नेट की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, कितने लोग अप्लाई किए हैं, कितने लोग एग्जाम में बैठे हैं, कितने लोग पास हुए, ये मैं पूछते रहता हूं। क्यों पूछते रहता हूं? जिसके कारण से लगभग स्टूडेंट जो है वो अप्लाई करते हैं यूजीसी नेट में। कभी जिंदगी में नहीं बोलता कि मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं बोलता ही नहीं हूं, ठीक है, मैं बोलता नहीं हूं कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लाइक कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, ये जरूरत नहीं है। तो याद रखिएगा, छात्रों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। आपने देखा होगा, मैं भी आप लोगों को पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए कहता हूं, अच्छे से पढ़ाई करो बोलता हूं, मां बाप की हमेशा जो है सेवा कीजिए, कभी भी उसके साथ में गलत बिहेव मत कीजिए, समाज सोसाइटी के साथ में मानवता की भावना रखिए, ये समाज आपका है, ये राष्ट्र आपका है, राष्ट्र की चिंता कीजिए, मैं ये बोलता हूं कि नहीं बोलता हूं, ठीक है। तो ये है एक्चुअली छात्रों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। बीके पासी ने कहा कि ये 12 प्रकार के कौशल में आता है, ठीक है, शिक्षण के 12 प्रकार के कौशल में आता है। फिर उसके बाद में चौथा नंबर आता है पुनर्बलन, पुनर्बल, ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, है? पुनर्बलन होता है। उसके बाद में यहां पर पांचवा जो है मौन भी एक जो है कौशल है, अशाब्दिक अंतःक्रिया ये भी एक प्रकार का जो है कौशल है। पुनर्बलन, मौन या अशाब्दिक अंतःक्रिया, आप सब समझते होंगे, ठीक है, मैं जितने बातें बता रहा हूं उन सब को याद कर लीजिएगा। छात्रों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, पुनर्बलन,
मौन या अशाब्दिक अंतःक्रिया, ये पांच हो गया, छठवां भी लिख देता हूं, उसके बाद मैं फिर और समझा देता हूं। उद्दीपन परिवर्तन, उद्दीपन, ठीक है, उद्दीपन परिवर्तन, ठीक है, उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है। उद्दीपन परिवर्तन का मतलब होता है कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होना, उसके एक्टिविटीज, उसके एटीट्यूड में परिवर्तन। उद्दीपन का मतलब होता है एटीट्यूड, उसका एक एटीट्यूड होता है, उस एटीट्यूड में परिवर्तन दिखाई देता है। कल तक गुस्सा था और टीचर के समीप आने पर उनका गुस्सा खत्म हो गया, बहुत ही व्यवहारिक हो गया। एक मेरे स्टूडेंट बार बार कहता है कि सर जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तब मैं किसी से बात नहीं करता था, किसी से बात ही नहीं करता था, बात करना डर लगता था। जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, खूब बात करता हूं, यानी कि पॉजिटिवली बात करता हूं, सकारात्मक बातें करता हूं। उनका कहना है कि उनके उद्दीपन में परिवर्तन आने लगता है, उनके एक्टिविटीज, उनके एटीट्यूड में परिवर्तन आता है। मैं आपको बताऊं मेरा उदाहरण, मैं ग्रेजुएशन तक, बीएससी तक मैं स्लेपर जूता चप्पल पहनता था, ठीक है, चप्पल पहनता था। मैं, आप विश्वास नहीं करोगे कि मैं बूट कभी नहीं पहना ग्रेजुएशन तक, बूट के बारे में जानता ही नहीं हूं मैं, बूट मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं इन करके कपड़ा नहीं पहनता था, ठीक है, इन करके कपड़ा कभी नहीं पहनता था। लेकिन जैसे ही मैं पीजी में एडमिशन लिया, तब पहला तो बूट खरीदा, दूसरा चीज है इन करके कपड़ा पहनता था, ठीक है, जब पीजी में पहुंच गया, ग्रेजुएशन तक मैंने कभी इन करके कपड़ा नहीं पहना, ठीक है। तो ये परिवर्तन आता है, ये जो है उद्दीपन परिवर्तन की जो बात कर रहे हैं एटीट्यूड में। पहले मैं ग्रेजुएशन तक मैं भी माइक पकड़ के भाषण नहीं दे सकता था। बीएससी फाइनल ईयर में जब मुझे बुलाया गया था कि दो शब्द बोलेंगे सीनियर होने के नाते, मैं कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहा था और संचालन कोई और कर रहा था, और उन्होंने मुझे बुलाया कि दो शब्द बोलेंगे, जूनियर को संबोधित करेंगे। तो जब मुझे बुलाया गया तो मेरा मुंह बंद था, बोल नहीं पाया, पूरा लाल हो गया था चेहरा और पसीना पसीना हो गया था और मुझे बेहोशी टाइप का लग रहा था, ठीक है। लेकिन उस दिन सोच लिया था इसके बाद, आज के बाद ये लास्ट है, कभी ऐसा नहीं होगा। और मैं कहा कि घंटों घंटों बोलूंगा और माइक में बताऊंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और आज माइक पकड़ के बोलना अच्छा लगता है। यानी कि ये उद्दीपन में परिवर्तन होता है, ये उद्दीपन में परिवर्तन जो है एटीट्यूड में परिवर्तन होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है, ठीक है। ये 6 पॉइंट हो गया, अब आते हैं 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए 7वां पॉइंट कह रहा है अनुदेशन। हमने जो है कल पढ़ाया था अनुदेशन के बारे में, अनुदेशन, इंस्ट्रक्शंस पढ़िए, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस। अनुदेशन का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस, टीचर इंस्ट्रक्शन देता है स्टूडेंट को, जिसका छात्रों के द्वारा परिपालन किया जाता है। इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन होता है टीचर के द्वारा होता है, और ये भी एक कला है, टीचर का भी एक कला है, और उस इंस्ट्रक्शन को पालन करने के लिए छात्रों के पास भी एक कौशल, एक कला है, दोनों का जो है साथ साथ एक कला है इंस्ट्रक्शन। आइए जानते हैं पठोपस्थान, ये भी एक कला है बैठकर पढ़ने का। बैठकर पढ़ने से जो मजा आएगा, खड़े खड़े में मजा नहीं आएगा। जैसे खाना खाएंगे, जब बैठ के आराम से खाना खाते हैं या आराम से बैठ के जो है पढ़ाई करते हैं,
उसकी मजा और कहीं नहीं होगा, यानी कि ये भी एक कौशल है। ठीक है, तो आप खड़े खड़े जो है बात नहीं किया जा सकता, आपको बैठकर पढ़ना, पठो विस्थान, यानी कि जहां पर आप पढ़ रहे हो वो स्थान भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एक कौशल है बैठकर पढ़ना। ठीक है, और साथ ही साथ आपको जो है बहुत अच्छा लगना चाहिए, है अच्छा लगना चाहिए का मतलब ये होता है कि आप जहां पर बैठे हो ना तो टेबल हिल रहा हो, ना कुर्सी इधर उधर हिल रहा हो, ठीक है, और ना ही आपका हाथ पैर इधर उधर हिल रहा हो, आराम से रिलैक्स बैठकर पढ़ना, रिलैक्स रूप से, ये भी एक कौशल है बैठकर पढ़ने का। खाना खाओ बैठकर, ठीक है, खाना खाओ बैठकर, ठीक है, खड़े खड़े नहीं खाया जाता है, पानी खड़े खड़े नहीं पिया जाता है, ठीक है, खड़े खड़े पानी नहीं पिया जाता, बैठकर पानी पिया जाता है। वैसे ही पढ़ा भी जाता है, आसन लगाकर पढ़ना चाहिए, आसन के साथ पढ़ना चाहिए। ठीक है, पठो विस्थान, वो स्थान भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कहां बैठकर पढ़ेंगे। आप कहोगे कि मैं बगीचा में बैठकर पढ़ूंगा, बाग में बैठकर पढ़ूंगा, उद्यान में बैठकर पढ़ूंगा, उद्यान में पढ़ाई होता है, आपको गुलाब अच्छा लगेगा, वहां घूमने वाले लड़के लड़कियां आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, वो घूम रहा है बहुत अच्छा कपड़ा पहना है, वो कपड़ा आपको अच्छा लगेगा, वो सीनरी आपको बहुत अच्छा लगेगा, कोई दौड़ा है या दौड़ रही है वो अच्छा लगने लगेगा, नहीं लगेगा भाई, ठीक है, नहीं लगेगा। याद रखिएगा, ये एक कौशल है पढ़ने का। आप जहां भी एक स्थान बनाइए, उस स्थान में जाकर पढ़ेंगे तो पढ़ाई होगा, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी बैठ गया और पढ़ाई हो गया, नहीं होता ऐसा। जैसे लैपटॉप, आप लैपटॉप बिस्तर में लैपटॉप नहीं चला सकते, ये है ही नहीं उसका स्थान, वो तो टेबल में पीसी जैसे ही रख के पढ़ा सकते हैं। ठीक है, पीसी यदि मान लीजिए आपके पास में लैपटॉप है तो लैपटॉप का उपयोग टेबल में रख कर कीजिए, वहां पर स्थायी रूप से बैठ कर कीजिए, देखना आपका जो है पीसी जैसे काम होगा, यानी कि आप थकेंगे नहीं। इसलिए पढ़ाई भी जो है, टीचिंग भी जो है, वहां पर एक कौशल है इस तरह का कि एक निर्धारित स्थान में बैठकर पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बाप रे क्या गर्मी है यार, गर्मी नहीं लग रहा? हम तो पसीना पसीना हो गए। आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, खुशखबरी सुनना पसंद करेंगे? खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी यह है कि अभी दो चार दिन में अन अकेडमी में फ्री स्पेशल क्लास पढ़ाऊंगा, जिसमें आप लोग जो है देख सकते हो फ्री में। टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगा अन अकेडमी में, वो होता है फ्री क्लासेस, दो लेक्चर होगा फ्री क्लासेस। ठीक है, अन अकेडमी में फ्री क्लासेस होगा जिसमें मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगा। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगा, उसमें आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, टोटल फ्री में हम आपको डेट बताएंगे और टाइम बताएंगे, और बढ़िया सा, ठीक है, बढ़िया होता है, आप लोग देख लीजिएगा अन अकेडमी में क्लास कैसा होता है, लाइव क्लास कैसा होता है, ठीक है, और कैसे कैसे लोग होते हैं, कितने लोग आते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपकी इच्छा और आपकी कैपेसिटी के आधार पर लीजिएगा। ठीक है, मैं ये कर रहा हूं कि दो क्लास अभी फ्री में स्पेशल क्लास होने वाली है, हालांकि मैं ला पढ़ाता हूं लेकिन स्पेशल क्लास टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बताऊंगा डेट और टाइमिंग। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आठवां पॉइंट हो गया, बारह पॉइंट में बता देता हूं, पठो विस्थान होना चाहिए। नौवां जो है दोस्तों, प्रश्नों की प्रभावशीलता, प्रश्नों की प्रभावशीलता, ठीक है, इसी से तो समझ में आता है,
कि कौन सा क्लास बेस्ट है, कौन सी क्लास को हम बेस्ट कहेंगे, कौन से टीचिंग मेथड को बेस्ट कहेंगे, कौन से ठीक है अधिगम को जो है बेस्ट कहेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वही कॉलेज यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा होगा, वहां के स्टूडेंट स्तरीय प्रश्न पूछेंगे, बेमतलब का नहीं, स्तरीय क्वेश्चन पूछेंगे। और वही क्वेश्चन पूछेगा जो पढ़ेगा, जो पढ़ कर आएगा वही क्वेश्चन पूछ सकता है, सभी व्यक्ति क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। अभी भी हम लोग ट्रेनिंग में जाते हैं, प्रोफेसर लोगों का भी ट्रेनिंग होता है, हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, यानी कि चाक पकड़ना सीखते हैं, ब्लैक बोर्ड में कैसे लिखना है, कैसे पढ़ाना है, इसका भी हम लोग का ट्रेनिंग होता है। और मैं आपको बता दूं, सबसे लास्ट में बैठता हूं ठीक है। लेकिन जो टीचर पढ़ाने आता है, बाहर का टीचर आता है पढ़ाने, तो पहले फीडबैक लेता है वो कि स्टूडेंट कैसे है, यानी कि जब रिफ्रेशर कोर्स होता है या ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, हम लोग का रिफ्रेशर कोर्स होता है, जो नए बच्चे होते हैं, नए टीचर होते हैं, उसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है जो नए टीचर होते हैं उनका होता है, और जो सीनियर हो गया है उसका जो है रिफ्रेशर होता है, ठीक है, रिफ्रेशर कोर्स होता है। तो रिफ्रेशर कोर्स में जब हम लोग जाते हैं तब वो फीडबैक पहले पता करता है, कहता है कि स्टूडेंट कैसा है, यानी कि टीचर स्टूडेंट कैसा है। तो वहां से फीडबैक कैसे मिलेगा, तो पहले से बता देता है कि आप लास्ट के स्टूडेंट को जो है छेड़ना मत, उसको छेड़ना मत, उनसे क्वेश्चन मत पूछना, उसके तरफ देखना ही मत, ठीक है, उनको जो है आप कुछ भी मत बोलना, ठीक है। और जब वो आता है तो उस क्लास में सबसे पहला दर्शन मेरा होता है, वो देखा जो है लालायित होता है, तो मैं भी जो है अभिवादन करता हूं, नमस्कार, ठीक है, धीरे से नमस्कार करता हूं। और वो पहले बार बोल देता है कि मिस्टर रोतिया आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बस आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है, पहले से बता देता है कि आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। जी सर, नहीं पूछूंगा। जब वो पढ़ाते रहता है, जब क्वेश्चन की बारी आता है, तो मैं क्वेश्चन नहीं पूछता हूं, और लास्ट में टीचर ही कहता है कि मिस्टर रोतिया आपके पास में कोई क्वेश्चन है। जी सर, आप अनुमति दें तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा। और जब मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूं, उसके पास में आंसर नहीं होता, जो पढ़ा रहता है उसी पढ़ाई में ही से जो है एक क्वेश्चन जरूर पूछता हूं कि सर इसका क्या मतलब होता है बताइए। जब मुझसे वो कहता है कि भाई मुझे निर्देश मिला हुआ है, इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है, आपको नहीं छेड़ना है, लेकिन मैंने छेड़ दिया, लेकिन इसका आंसर आपको पता है, तो मैं कहा सर मुझे नहीं पता, तभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, मुझे नहीं पता इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, यदि उसका आंसर मैं दे दूंगा तो यह होगा कि मैं टीचर का टेस्ट कर रहा हूं कि वो जानता है कि नहीं जानता है। यह गड़बड़ हो जाएगा, याद रखना, गड़बड़ हो जाएगा। यदि हम क्वेश्चन पूछते हैं और यदि टीचर को आंसर नहीं है और उसका आंसर आपके पास में है, तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि आप टीचर का टेस्ट कर रहे थे। और यह कभी नहीं करना, कभी जिंदगी में मत करना कि टीचर का कभी टेस्ट मत करना, ठीक है, यह बहुत बड़ा पाप है। यदि टीचर जानता है तो ठीक, नहीं जानता है तो भी ठीक, आप जानते भी हो आंसर, मत बताना आंसर। मैं कहता हूं सर सॉरी सर मुझे नहीं पता है, ठीक है, वो कहता है कि मेरा मोबाइल नंबर लीजिए, मुझसे जो है कल बात कीजिए, या आपका मोबाइल नंबर मिल रहा हूं, इसका आंसर मैं कल बताऊंगा। जी सर, याद रखना, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्नों की प्रभावशीलता एक कौशल है, एक कौशल में आता है, ठीक है, प्रश्नों की प्रभावशीलता। और जो स्टूडेंट बेहतरीन क्वेश्चन पूछता है वो स्टूडेंट जो है बेस्ट माना जाता है, ठीक है, वो क्लासरूम बेस्ट माना जाता है। यह ऑप्शन को टिक मारना, ठीक है, ये ऑप्शन को टिक मानना, शिक्षण कौशल में ये प्रश्नों की प्रभावशीलता मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और वो टीचिंग मेथड
जिसमें से डिस्कशन मेथड जो है जिसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और डिस्कशन मेथड होता है प्रश्नों की बौछार। डिस्कशन मेथड में हम जब डिस्कस करते हैं, ठीक है, डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, चर्चा शिक्षण विधि में प्रश्नों की बौछार होती है, याद रखना। तो यहां पर जो है ये नौवा पॉइंट जो बोला है प्रश्नों की प्रभावशीलता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट आते हैं दसवां, खोज पूर्ण करना। खोज पूर्ण स्टूडेंट खुद को खोजबीन करना चाहिए, खोजबीन तो खुद को करना चाहिए, ठीक है, स्टूडेंट को ही खोजबीन करना चाहिए। मान लीजिए कोई किताब आपके हाथ में है, जैसे मेरे हाथ में भी किताब है, मान लीजिए उस किताब का कोई शब्द है, उस शब्द के अर्थ देखना चाहिए, उस शब्द को खुद स्वयं रियलाइज करना चाहिए, ठीक है, कि ये क्यों है, कैसा है, कहां होता है, ठीक है, कब होता है, ये इसके बारे में स्टूडेंट को खुद खोजबीन करना चाहिए। ये कौशल है कि ज्ञान प्राप्ति का एक कौशल होता है, हर लर्नर के पास में ये जिज्ञासा होती रहनी चाहिए। जीवन में कभी भी जिज्ञासा खत्म मत कीजिए। विवेकानंद जी का कोटेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। विवेकानंद जी ने कहा था, यदि किसी की जिज्ञासा मर गई है तो वह मृत प्राय हो गया है, किसी की जिज्ञासा खत्म हो गई है तो मान के चलना कि वह मृत प्राय हो गई है, यानी कि वह जीवित नहीं है। और जिज्ञासा का होना बहुत जरूरी है, और जिज्ञासा का मतलब होता है खोजबीन करते रहना, जीवन में हमेशा नयापन लाना, पुराने ठर्रे मत चलना। मैं तो अपने बेल्ट को बदल देता हूं, बेल्ट के दिशा बदल देता हूं, ठीक है, हम लोग जो है बेडशीट बदल देते हैं, खाना की स्वाद बदल देते हैं, कपड़े बदल देते हैं, मोबाइल बदल देते हैं, गाड़ियां बदल देते हैं, लेकिन ना एक काम मत करना, वाइफ मत बदलना, हस्बैंड वाइफ मत बदलना रे भाई, माँ बाप मत बदलना, ये बदलने की चीज नहीं है, इसमें खोजबीन मत करना। वाइफ हस्बैंड माता पिता और बच्चे हो सकता है कि आप पड़ोसी के बच्चे को भी अपना बच्चा मान लेना, लेकिन खोजबीन और रिसर्च जो है यहां पर मत करना। पति पत्नी, एक बार पति बन गए तो जिंदगी भर पति बनना, 7 जन्मों तक पति बनना, ठीक है, 7 जन्मों तक पति, और पत्नी बन गए तो 7 जन्मों तक पत्नी बनना, 1 साल 2 साल 3 साल में बदलने की कोशिश मत करना, हंगामा हो जाएगा, ठीक है, जीवन जो है में लहरें पैदा हो जाएगी, चक्रवात आ जाएगा, ठीक है, भूकंप आएगा, और फिर उसके बाद में आप तहस नहस हो जाएंगे, आपका जीवन हो जाएगा नष्ट। लेकिन ठीक है, माता पिता कभी मत बदलना, माता पिता नयापन नहीं चाहिए, माता पिता वही माता पिता रहेगा रे भाई, ठीक है, आप सास ससुर को माता पिता कहते हैं, सास ससुर को माता पिता कहते हैं, ये भी गलत है भाई, ठीक है, कई ऐसे होते हैं पति महोदय जो हैं, कई पति महोदय होते हैं कि सास ससुर तो बहुत प्यारा होता है लेकिन अपने माँ बाप पराया हो जाता है, कभी जीवन में मत करना ऐसा, ठीक है, ये सामाजिक सीख है, जैसे माता पिता का सेवा करते हो वैसे ही सास ससुर की सेवा करना, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आपकी पत्नी यदि आपके माता पिता को अपने माँ बाप मानता है तो आपका भी धर्म है कि पत्नी के माता पिता को भी वही स्थान मिलना चाहिए, यानी कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। यदि आपके पत्नी, ठीक है, आपके पत्नी आपके माता पिता को वही सेवा कर रहा है तो वैसे ही आपके सास ससुर को भी करिए, वो भी आपके माता पिता है, ठीक है, तो कभी मत सोचना कि पत्नी को हमने खरीद के लाया है, पत्नी को खरीद के नहीं लाया, यहां तो पति महोदय को खरीदा जाता है, पत्नी को खरीदा नहीं जाता, यहां पर पतिदेव को खरीदा जाता है, और जिसका खरीदा जाता है वो तो उसके वश में होता है, लेकिन यहां पर उल्टा चलता है, ठीक है, खरीदते हैं और उनके वश हो जाते हैं, याद रखना, ये प्रेम की भूखे होते हैं पति और पत्नी, सास और ससुर, देवर और देवरानी, ये सब जो है प्रेम के भूखे होते हैं, प्रेम सम्मान चाहते हैं, और माता पिता को हमेशा याद रखना, सम्मान देना, खाने मत देना, भूखे रखना,
लेकिन उसको सम्मान में कोई कमी मत करना। सम्मान कभी भी जो है एक इंच कमी भी जो है मत करना। ये माता पिता और सास ससुर, बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी, ठीक है, इन लोगों को भी सम्मान मिलना चाहिए जो सम्मान आप उनसे अपेक्षित है। वो जो अपेक्षा करते हैं उसी के अनुरूप आपको जो है सेवा करना है। कभी जीवन में मत देखना कि बुजुर्ग हो गए हैं, कभी जीवन में मत देखना गांव का है। यदि आप बॉम्बे दिल्ली बड़े बड़े शहर में अच्छे अच्छे पद पर हैं और माता पिता गांव देहात का है, धोती कुर्ता पहनते हैं, जिनको बात करने का तमीज नहीं है, उसको भी वही सम्मान देना, ठीक है, जो पढ़े लिखे यदि माता पिता होता। उल्टा प्राउड फील करना कि वो मेरे माता पिता है, और आपको प्राउड फील होना चाहिए कि ऐसे गरीबी से आपने यहां तक पहुंचा है, और ऐसे माता पिता को जो है जिन्होंने जन्म दिया हमेशा जीवन में ऋणी रहना। एक अर्थशास्त्र के सिद्धांत है, एक अर्थशास्त्र के सिद्धांत है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे रईस हो, वो तीन कर्ज में लदा रहता है। तीन कर्ज में हमेशा लदा रहता है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, जीवन पर्यंत तीन कर्ज में हमेशा हमेशा बोझ में उसका डला रहता है। एक है माता पिता के जन्म से माता पिता का कर्ज, वो कभी भी छूट नहीं पाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, माता पिता के कर्ज को जो है कभी छूट नहीं सकता। समझ लो बात को, गुरु की गुरु 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 का ऋण, दूसरा आता है गुरु का ऋण, कभी जिंदगी में छूट नहीं सकते, याद रखना ये गुरु का ज्ञान जो है, गुरु का जो ऋण है, और तीसरा समाज का, सोसाइटी का ऋणी होना। समाज ने आपको पहचान दिया है, समाज नहीं आपको माता पिता को एकजुट करवाया है, समाज का ऋण, ठीक है, यानी कि राष्ट्र का ऋण जो है कभी चुकता नहीं कर पाओगे, हमेशा हमेशा आप ऋणी रहेंगे, हम सब ऋणी रहेंगे। इस बात को हमेशा याद रखना। इसलिए कहा गया है कि खोज पूर्ण करना, अब विचार मंथन करना, हमेशा रिसर्च करना, नया ज्ञान प्राप्त करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस संसार में ईश्वर है और कोई ईश्वर नहीं है, माता पिता ही ईश्वर है। बोलो कि माता पिता ही ईश्वर है, ठीक है, इस संसार में और कोई ईश्वर नहीं होता, माता पिता से बढ़कर और कोई ईश्वर नहीं होता। आप चार धाम मत करना, माता पिता की सेवा कर लेना, चार धाम आपकी ये सफल हो जाएगा। चार धाम यात्रा करने की जरूरत नहीं है, जो माता पिता की सेवा में है, माता पिता के चेहरे में खुशी में है, याद रखना उसके सम्मान में कभी भी जो है कमी होने मत देना। ये जो है हमारी शिक्षा है, केवल पढ़ाते नहीं है, हम आपको ज्ञान देते हैं, ये कौशल है दोस्तों। 11वां नंबर, व्याख्या करना यानी कि यहां पर आपको विश्लेषण करना भी आता है, व्याख्या करना, ठीक है, व्याख्या करना भी एक कला है। व्याख्या करना, मान लीजिए टॉपिक छोटा सा है लेकिन व्याख्या करना आना चाहिए, कौशल है। जैसे मैंने यहां पर लिया खोज पूर्ण करना, अरे भाई खोज पूर्ण करना ठीक बात है, ठीक है। एक मेरा दोस्त बता रहा था, मैं आपको चटपटा आपको हंसाने के लिए बोल रहा हूं, दोस्त कहता है यार, ठीक है, कि वो मेरा एक पहले स्कूल का कॉलेज का एक थी, ठीक है, अभी अभी मिले, ठीक है, एक दिन मार्केट में वो मायके आई थी तो हमारा मुलाकात हो गया मार्केट में, हम तो पहचान नहीं पा रहे थे, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा नजर में आया और मैं उसके पास में गया और मैंने कहा कि कैसे हो, बड़ा वो भी सरप्राइज हो गई। देखिए ये खुशी है, तो आपको जो है नया खोजबीन मत करना, ऐसा खोजबीन मत करना कि मेरे पुराने मिल जाए, मार्केट में पुराना मिल जाए तो मजा आ जाए, ये नहीं होता दोस्तों। खोजबीन कहां करना है, ज्ञान की खोजबीन करना, इंटेलेक्चुअल बनने की खोजबीन करना, ठीक है, और जिस उद्देश्य को आप पूरा करना चाहते हो उसमें खोजबीन करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट आता है दोस्तों दृष्टांत देना,
बारवा नंबर आता है दृष्टांत देना, भी एक दृष्टांत, दृष्टांत देना ठीक है, दृष्टांत देना ठीक है, उदाहरण देना ये भी एक कौशल है। उदाहरण देने आना चाहिए और तात्कालीन उदाहरण होना चाहिए, जैसे कि हम आप लोगों को जिस समय आपको याद आता है उसी समय ही हम आपको जो है उदाहरण प्रस्तुत कर दिया ठीक है। उदाहरण देने आना चाहिए, तत्काल उदाहरण बन जाना चाहिए। एक एक जो इफेक्टिव टीचिंग होता है, इफेक्टिव टीचिंग होता है जिसके पास में ये 12 कौशल होता है वही इफेक्टिव टीचिंग करता है। याद रखिएगा मैं कई सारे उदाहरण बता दे रहा हूं आपको, ये 12 टॉपिक को याद कर लेने के बाद में कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है। इफेक्टिव टीचिंग क्या है? जो दृष्टांत देता है, जिस टीचिंग में दृष्टांत के द्वारा पढ़ाया जाता है और दृष्टांत को जो है लर्नर जो है बहुत अच्छे तरीके से समझता है, दृष्टांत के माध्यम से पढ़ना चाहिए ठीक है। लेकिन टीचर के लिए ना बहुत बड़ी विपत्ति है, विपत्ति यह है कि उनसे जो है दृष्टांत बनता ही नहीं है तत्काल। वो तो जो किताब में दृष्टांत दिया हुआ है उसको पढ़ेगा तो ही बोल सकता है, उसी समय दृष्टांत बनना चाहिए। जब कोई टॉपिक आए तो तत्काल दृष्टांत बनाइए, अच्छा टीचर कहलाओगे आप, समझ रहे हो बात को? अपना खुद का दृष्टांत होना चाहिए, क्योंकि यदि समझोगे तो दृष्टांत दोगे। तो इस बात को हमेशा याद रखना ठीक है, व्याख्या करना एक अच्छा टीचर का गुण है, एक अच्छे टीचर का गुण है, एक अच्छे टीचिंग का गुण है और एक अच्छा टीचिंग मेथड है ठीक है। तो आपको जो है इस रूप में याद करना है, खोजबीन करना, बिल्कुल नयापन होना चाहिए टीचिंग, हमेशा नयापन होनी चाहिए, नया मेथड होनी चाहिए, नया सिलेबस होनी चाहिए। आज पढ़े कल भी पढ़ेंगे फिर कल पढ़ेंगे नहीं होना चाहिए, नयापन होना चाहिए ठीक है। खोजबीन करते रहना चाहिए, प्रश्नों की प्रभावशीलता, भाई आपका स्टडी अच्छा होगा, टीचर का स्टडी अच्छा होगा, लर्नर का अच्छा होगा तो उसमें ढेर सारे प्रश्नों की प्रभावशीलता आएगा। तो आप एक चीज में बहुत सारे टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक को आप क्लियर कर सकते हैं। ये 12 को याद कर लीजिए, फिर रियाज कीजिए, मंथन कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। दोस्तों कैसा लगा जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। मैं आप लोगों के लिए ठीक है, ये रात्रि 8 बजे का जो लाइव क्लास है वो हमने आपको जो है दिया, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में भी अभी 10-15 मिनट का वीडियो चलेगा, इसके बाद तत्काल जो है लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में भी 10-15 मिनट का लाइव क्लास चलेगा, उसमें भी आइएगा 5-10 मिनट बाद में, उसमें भी हम कुछ चर्चा करेंगे, आप लोगों से मोटिवेट करेंगे, अच्छे चीजें बताएंगे ठीक है। तो आप लोग इसमें तो हो गया, अब लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स का वीडियो चलने वाला है, तो जिसमें आप लोग जो है जरूर उपस्थित होइएगा। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।